राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है और लगता है भाजपा कांग्रेस से एक कदम आगे है। जहां भाजपा ने 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसी को कंट्रोल करने भाजपा ने एक डैमेज कंट्रोल कमेटी भी बनाई है, जिसकी कमान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को दी गई है, जिसे लेकर मंथन भी हुआ। शुक्रवार को जयपुर में कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में दूसरी सूची में संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही बगावत करने वाले नेताओं को लेकर भी बातचीत की गई। इस बैठक में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल और सतीश पुनिया सहित कई नेता शामिल हुए। इस बैठक में डी कैटेगरी की कमजोर सीटों पर जहां प्रत्याशी उतारने के बाद विरोध हो रहा है, जिसे ठीक करने के लिए काम हुआ है या होगा, इस पर चर्चा हुई। यानी डैमेज कंट्रोल को कैसे कवर करना है, इस पर मंथन हुआ। वहीं बैठक में घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा हुई। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा पत्र को लेकर सभी नेताओं से बातचीत की। बैठक के बाद खिलखिलाती तस्वीर भी सामने आई। कोर कमेटी की चर्चा के बाद राजेंद्र राठौर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बैठक में आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा की गई। राठौर ने सीएम गहलोत को लेकर कहा कि गहलोत की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी, क्योंकि सीएम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकारी कागजों में उनकी तस्वीर छप रही है, डिस्कॉम के बिलों में उनके फोटो आ रहे हैं। वहीं बैठक में दूसरी लिस्ट को लेकर भी चर्चा हुई और जानकारी के अनुसार आज दूसरी लिस्ट पर दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी। इसके अलावा रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें राजस्थान भाजपा के कोर ग्रुप के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में दूसरी लिस्ट के नामों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ही प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की जाएगी और संभावना जताई जा रही है कि भाजपा की दूसरी सूची रविवार या सोमवार तक जारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।